नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान द नॉलेज में आपका स्वागत है। प्रत्येक वर्ष आने वाले दो नवरात्रों से तो आप सभी लोग परिचित हैं, लेकिन इनके अलावा प्रत्येक वर्ष दो और नवरात्रि होती हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। आम लोगों को इसकी जानकारी या इसका ज्ञान नहीं होता है, ये उनके लिए गुप्त ही है। इसी वजह से इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। पूर्व काल में इनका ज्ञान केवल उच्च कोटि के साधकों को होता था, जो इस समय का उपयोग विशिष्ट साधनाओं को संपन्न करने में किया करते थे। गुप्त नवरात्र में पूजा उपासना सामान्य नवरात्रों के समान ही होती है, और तांत्रिक समाज में इन नवरात्रों का बहुत ही महत्व है, जो इस समय की लगातार प्रतीक्षा करते हैं। इन दिनों तंत्र साधनाओं का बहुत महत्व माना जाता है, लेकिन हम बात करेंगे आम लोगों के बारे में, जो इस दिन जो विधि विधान बताए जाएं उनको करने से बहुत से लाभ प्राप्त कर सकता है। तो माघ गुप्त नवरात्रि का पहला दिन इस बार 28 जनवरी 2017 को है। इस दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 9:33 से 10:47 तक का है। तो इस दिन कलश स्थापना का बहुत विशेष महत्व माना गया है। तो आइए बताएं कि कलश स्थापना कैसे की जाती है। 28 जनवरी को कलश स्थापना करने के दौरान सबसे पहले पूजा स्थल को शुद्ध कर लें, फिर लकड़ी की चौकी रखकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। कपड़े पर थोड़े थोड़े चावल रखें। चावल रखते हुए सबसे पहले भगवान गणेश जी का स्मरण करें। एक मिट्टी के पात्र में जौ बोएं। इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर रोली से स्वस्तिक या ओम बनाएं। कलश के मुख पर कलवा बांधकर इसमें सुपारी, सिक्का डालकर आम या अशोक के पत्ते रखें। कलश के मुख को चावल से भरी कटोरी से ढक दें। एक नारियल पर चुनरी लपेटकर इस कलवे से बांधें। इसे कलवे से बांधें और चावल की कटोरी पर रख दें। सभी देवी देवताओं का आह्वान करें और धूप दीप जलाकर कलश की पूजा करें। फिर भोग लगाकर माँ की पूजा करें। तो ये थी विधि कलश स्थापना करने की, जो आप किसी पंडित विशेष को बुलाए बगैर भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ये बात याद ना रह पाई हो, जैसा कि वीडियो में मैंने बोला है, तो इसकी सारी कलश स्थापना की सारी जानकारी विधि जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसे पढ़ लीजिएगा और पढ़कर आराम से उसका प्रयोग कर लीजिएगा कि कलश स्थापना कैसे करनी है। तो ये थी हमारी आज की एक कलश स्थापना की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल ज्ञान द नॉलेज को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।